चलें जी, मैं अपना खाना रेडी करने लगी हूँ। अब हम करते हैं जी इसको एंजॉय, और फिर जो बचेगा वो हम डाल देंगे किसी छोटे कंटेनर में। देखें कितने कलरफुल से सॉरी राइस बने। इसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें छोटी अपनी प्लेट में, दो ही देखे। हाँ जी, तो अभी आज का खाना शुरू करते हैं। आज मैंने बनाना है चाइनीज। पहले मैं बनाने लगी थी चिकन मंचूरियन, लेकिन फिर मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कि वही वाइट जल फ्रेजी टाइप बनाती हैं जो मैं बनाती हूँ, सॉस वाली, वाइट सॉस वाली। तो इसके लिए दिए देखें, सारी सब्जियां जो है ना वो चॉप चॉप करके मैंने रख ली हैं। ये मेरा चिकन है, जो है वो चावल वो मैंने भिगो लिए, बंद गोभी, और ये मेरी फ्रीज हुई सब्जियां। ये जो है ये क्या उसको कहते हैं, अब इस टाइम कौन आ गया, ये है क्या उसको कहते हैं, शिमला मिर्च, और नीचे है गाजर, ठीक है। और इधर वो हो रहे हैं मेरे मटर बॉयल, और ये है जी चावल बॉयल होने का पानी। और अभी शुरू करते हैं अपना बाकी का काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी करते हैं अपना चाइनीज का काम स्टार्ट। ये देखिए, जो व्हाइट सॉस मैंने बनानी है ना, उसके लिए ये तकरीबन मैदा है 3 बड़े चम्मच, मतलब खाने वाले चम्मच, ठीक है। इसको डाला और साथ साथ सारे काम एकदम से शुरू करते हैं, घर कर सकते हैं तो ठीक है। इधर मैंने थोड़ा सॉय डाला, और इसमें भी सारी सब्जियां जो है ना उनको बस हल्का सा, टमाटर टमाटर मैं बाद में डालूंगी क्योंकि टमाटर जो है ना वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। इसमें सीजनिंग के लिए थोड़ी सी काली मिर्च, और जनाब थोड़ा सा नमक डालें, और करें तेज़ क्योंकि चाइनीज़ मिश्रा तेज़ आग पे बनता है। जो देसी थी ना वो इधर थी, इसको मैं करूँगी ठंडा, क्योंकि अगर मैं गर्म में ठंडा लूँगी ना फिर उसकी गुटियाँ बन जाएंगी। और उधर इस पर पॉट में ये वाला जो रहा है, इसमें चावल बॉयल हो रहे हैं तो सभी को आते हैं। ये टीका जो है ना, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर तो नहीं है, ना ही बहुत ज़्यादा व्यूज हैं, तो मेरी फ्रेंड कहती थी किसकी कैसी चीज़ है, शेयर करा मैं पहले भी करती थी उसकी, ठीक है। आपको इसको पकाना है अच्छे से। अब देखती हूँ इसमें साथ में मैंने टमाटर डाल दिए हैं, मतलब चाइनीज के लिए होता है कि सब्जियां जो है ना आपकी हाफ कुक होती हैं, फुल कुक नहीं होती, फिर वो सॉगी हो जाती है और अच्छी नहीं लगती, ना ही उसका मजा आता है। खाने सब्जियां भी होती है तकरीबन सिर्फ 2 मिनट के लिए, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। अब इसी चूल्हे पे मैं बना लूंगी इसकी सॉस, ताकि आप लोगों को नजर आए कि इसमें क्या क्या डालती है, ठीक है। ये देखें जी, मैंने कहा कि ज़्यादा बर्तन गीले ना हो, गंदे ना हो, गीले गंदे ना हो। देखो ये थोड़ा सा भुन चुका है, ठंडा भी हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने दूध डाल देना तकरीबन हाफ लीटर के करीब, और इसको करना है अच्छे से, जैसे कस्टर्ड को कुक करते हैं ना बिल्कुल वैसे ही गाढ़ा होना चाहिए। जी ये देखें, जो इसमें सॉस डाली है ना वाइट सॉस, वो तकरीबन गाढ़ी हो गई है। अब इसमें डाल देंगे कस्टर्ड की जितनी आप गाढ़ी डाली है, इतनी कोई साइंस नहीं है किस्मत जमाने के बंदे को। थोड़ी सी काली मिर्च डाल दें, और साथ इसे थोड़ा सा नमक, और अगर आपके पास मक्खन है तो मक्खन डालिए, लेकिन मेरे पास मक्खन नहीं है तो इसमें थोड़ा सॉय डालूंगी ताकि इसका थोड़ा सा ना क्रीमी टेक्सचर आए, ठीक है। और अब कर देना अपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स, ये देखें, ठीक है। तो आपकी सॉस जो है जो इसमें जाती है वो होगी रेडी। अब इसको जितना ऑयल डाल के हलाना है ना, मिक्स करना है, मतलब उतनी ज़्यादा मजबूत बनती है। मैं पहले इसमें बटर डालती थी, लेकिन मेरे पास मक्खन नहीं है तो मैंने ऑयल से ही गुजारा कर दिया, ठीक है। जनाब ये देखें, ये वाला टेक्सचर होना चाहिए कस्टर्ड जैसा, ऐसे नहीं समझ आ रही, ये देखें कितना सा इसे नगाड़ा ऐसे रखना। अब आते हैं अपने चिकन की तरफ, जो इसमें जाना है सबसे पहले मैं इसको गर्म करूँगी अच्छे से। ऑयल हो चुका है मेरा गर्म, अब इसमें मैं डाल दूंगी, ये तकरीबन मेरे पास 3 पाव की थी, जिनके आधा कुछ ज़्यादा है, 800 ग्राम होगा। इसी साथ इसमें डाल देते हैं लहसुन अदरक, अच्छे से कटे हैं इसकी हाउस मेरे पता करने के बाद, किचन नहीं, चिकन का कच्चा पन करने के बाद फिर खत्म होता है। हाँ जी, तो इधर आपको मेरी टेफ्लॉन की नज़र आ रही होगी कढ़ाई। अब इधर हम प्रिपेयर कर लेते हैं अपने राइस जल्दी से, क्योंकि इधर ना वो मैंने ढक्कन दे दिया है, उसमें जो चिकन ने पानी छोड़ा ताकि वो थोड़ा सा ना गल जाए, ठीक है। इसमें मैं डालूंगी ऑयल, और इसमें चॉप गाजर, जो कि मेरी फ्रीज हुई है वो डालेंगे, ठीक
सॉस मैं इसमें डालूंगी, सॉस शिमला मिर्च पूरी मिर्च ग्रीन मिर्च ठीक है, इसलिए सुरसों की आवाज इतनी आ रही है ठीक है। साथ इसमें डाल देंगे मटर और जो बंद गोभी है ना वो डालेंगे बाद में, और साथ में इसलिए डाल देते हैं कि सीजनिंग, सीजनिंग में डालूंगी इसमें नमक और काली मिर्च, काली मिर्च जरा ऑयल में पक जाए ना अच्छे से तो जरा उसका तीखा बन निकल आता है, वैसे साथ तो डालेंगे तो इतना कोई मतलब महसूस ही नहीं होगा कि डालेंगे ठीक है। और इसको मैं करती हूँ अच्छे से फ्राई। ये देखिए जी अब डाल दी मैंने इसमें सब्ज मिर्च, ओ सॉरी सब्ज मिर्च नहीं बंद गोभी ठीक है। मैंने ये मटर शिमला मिर्च जो डाली थी मैं इसको सिर्फ एक से दो मिनट फ्राई की है, और इसको भी मैं तकरीबन एक आधा मिनट ही पकाऊंगी, तो ये टोटल हो जाएंगे तीन मिनट। और इसी पैन में ना मैंने अपने अंडे भी रोल के डालने हैं, ये देखिए मैंने जगह बनाई है ना ऐसे करके सारी सब्जी में कर दूंगी एक साइड पे ऐसे ठीक है। और इसमें मेरे पास ये हैं चार अंडे, इनको डाल दूंगी एग फ्राइड राइस में, एग तो जाते ही ना भाई। चलिए पहले इसमें थोड़ा सा भुने देती हूँ करके पकाती हूँ करके, ताकि भांडे घाटे ज्यादा गंदे ना हो ठीक है। ये देखिए ऐसे ऐसे तोड़ते जाए या बनाते रहे कड़ा कोई औखा काम है, नजर आ रहा कोई देखें कुक हो गया हिला दिया, कुक हो गया हिला दिया, मोटे मोटे चंक्स आएंगे बड़ा मजा आएगा। हाँ जी तो अब इसमें डालती हूँ पानी, चिकन कर लिया है कुछ, अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च जितना को आपको तीखा पसंद होता है ठीक है। और इसके साथ जाएगा इसमें नमक और इसको ऐसे रोटी भूनते हैं कि पानी जमा करने के बाद ठीक है। अब जो मैंने सॉस बनाया है उसमें सारी चेक करनी ठीक है, और इसे सॉस मेरे पास है ये चिकन और एक तरीका करें वो हम भी अच्छे से सेव ना समझ जाएंगे उसको अच्छे से मिक्स। मैंने क्रीम डालने के बाद एक से दो मिनट इसको पका लिए ताकि क्रीम का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। अब मैं इसमें डाल दूंगी अपनी सारी वो जो मैंने फ्राई की थी वेजिटेबल्स ठीक है, और बस फिर इसकी आग करते हैं बंद इसको मिक्स करने के बाद। से मेरा जलफ्रीजी कह लें, वाइट क्रीमी शाशली खांडी कह लें, कुछ भी कह लें, बन के हो गया है तैयार। अब मैं करूंगी इसको डिश आउट।